चलिए दोस्तों, समय हो चुका है एक नए वीडियो का और आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पर्सनल कोशिश रहती है और मैं हर वीडियो में मतलब आप लोगों को कुछ नयापन देने की कोशिश करता हूँ, नया चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग तभी क्लिक किए होंगे जब आप एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं या ब्लॉगर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी आप बोल सकते हैं अपने आप को। तो मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कोई चीज नया सिखाऊं, दिखाऊं और वीडियो के माध्यम से बताऊं। और दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने जैसा देखा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ऐसी गलती भूल के भी ना करें। ये वीडियो बनाने का मेरा यही कारण है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह सवाल था इंस्टाग्राम पे, कमेंट पे, मैं अपने चैनल के बैनर को चेंज कर सकता हूँ क्या सर, मैं अपने चैनल के लोगो को चेंज कर सकता हूँ, और दोस्तों क्या मैं चैनल का नाम चेंज कर सकता हूँ। चैनल के नाम के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं खास करके बात करना चाहता हूँ चैनल लोगो और बैनर के बारे में। क्या हम चैनल लोगो और या चैनल का बैनर जो होता है इस तरह का देखने को आप लोग को स्क्रीनशॉट में मेरा चैनल का मिल रहा होगा, इसे कहते हैं दोस्तों चैनल का बैनर और इसे कहते हैं चैनल का लोगो। वैसे मेरे हर वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पुराने हैं, पहले से देख रहे हैं, या आप हाल फिलहाल में मुझसे जुड़े हैं या आज ही जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड मेरा SK लिखा हुआ है और चैनल के लोगो में आप देख सकते हैं कि SK वहां पर भी है, यानी कि एक चैनल का लोगो है और एक वीडियो में मैं लोगो लगाता हूं, जो हर वीडियो में आप लोग को लगभग हर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या हम लोग इसे बदल सकते हैं? बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे DMs आए हैं, सर बताइए मुझे चेंज करना है, क्या बदलने से चैनल पे कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई मतलब खराबी हो सकती है चैनल में, व्यूज डाउन हो सकते हैं, चैनल की रीच में कोई असर पड़ सकता है, सब्सक्राइबर बेस घट बढ़ सकते हैं, तो जरूर इस पर वीडियो बनाइए सर। और आज मैं फाइनली दोस्तों इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, चैनल का नाम के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ चैनल लोगो और चैनल का बैनर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कंटेंट क्रिएटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सनी चैनल को। दोस्तों पहली बार आए हैं, लगे हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटा यानी कि नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों जैसे ही नई वीडियो आएगी, एक क्लिक में नोटिफिकेशन के माध्यम से आप एक क्लिक में वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मेरा जो चैनल का लोगो है इस तरह का है और बैनर जो है मेरा इस तरह का है। जब एक क्रिएटर मतलब यूट्यूब पर आता है या बोल सकते हैं यूट्यूबर बनने की कोशिश करता है, बहुत सारा सर्च करता है, वो चैनल किस तरह से बनाना है, चैनल पे वर्क किस तरह से करना है, थंबनेल किस तरह से लिखना है, थंबनेल किस तरह से बनाना है, टाइटल किस तरह से लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखना चाहिए जिसमें मिसलीडिंग मेटा डाटा नहीं हो, यानी कि अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो पता है चैनल सस्पेंड हो जाता है, मोनिटाइजेशन डिसेबल हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे चीज है, YT स्टूडियो किस तरह से यूज करना है, वेब वर्जन हो या ऐप हो, गूगल एडसेंस दिस डेट, बहुत सारे चीज है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप एक यूट्यूबर एक कंटेंट क्रिएटर है तो दो ही तीन काम नहीं होते हैं कि मोबाइल कैमरा उठाया, वीडियो शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया, बस काम खत्म, इतना ही काम नहीं है, दो से तीन काम, हजारों काम होते हैं दोस्तों। और जिनको जिनको अधूरी जानकारी होती है, जानकारी कंप्लीट नहीं होती है, वो तो सोचते हैं कि दो तीन काम है, वीडियो बनाया, एडिट किया, अपलोड किया, पब्लिक किया, काम खत्म हो गया, लेकिन हजारों काम होते हैं। अगर दोस्तों एक दो काम में अगर आप फंसे तो आपका चैनल हो सकता है टर्मिनेट, स्ट्राइक, डिलीट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे चैनल पे आप लोग को कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा हर एक वीडियो से, तो जरूर जुड़िएगा। जी हाँ, मैं बता रहा था बहुत सारे लोग दोस्तों एक चैनल खोलने से पहले सर्च के साथ साथ रिसर्च भी करते हैं, तब अपना चैनल क्रिएट करते हैं, बैनर बनाते हैं, लोगो बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं चैनल लोगो के बारे में। दोस्तों अगर आप एक नया क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटर बन चुके हैं, चैनल मोनिटाइज हुआ है या होने वाला है, तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि चैनल लोगो आप बार बार चेंज नहीं कीजिए। इससे हो सकता है आपके चैनल पे इफेक्ट पड़े, कुछ हानि हो जाए, इससे हो सकता है दोस्तों आपके चैनल को कुछ नुकसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको मैं प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ, इतने परसेंट लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरे वीडियोस को देखते हैं, और इतने परसेंट लोग हैं
जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल प्रेस किए होंगे, जिससे कि वीडियोस आती है और वो लोग देखते हैं, नहीं भी आती होगी नोटिफिकेशन, ओनली सब्सक्राइब भी किए होंगे तो भी देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रूफ है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है, चाहे वो छोटे क्रिएटर हो, बड़े क्रिएटर हो, मिड रेंज के क्रिएटर हो, तो ये सभी के साथ होता है। अब इससे क्या फायदा है, अगर मैं एसके जो लोगों मेरा देख रहे हैं, वो लोग उनको एसके लोगों मेरा याद हो चुका है और वो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, तो वो लोगों देखते हैं ना, तो अरे हाँ इसकी वीडियोस मैंने देखी थी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, अच्छा ये वीडियो अभी भी बना रहा है, चलिए इसका वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों एक इस तरह का सोच होता है। और अगर वो वीडियो स्क्रॉल करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस भी क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, भले ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो मान लीजिए एक बार अगर आप देख लेंगे ना, तो वो बार बार तो आप नोटिस करेंगे, जब जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो उस क्रिएटर का वीडियो सजेस्ट होता है, सजेशन में आता है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखेंगे जिस जिस का आपने देखा है, तो उसका उसका आपको वीडियो नजर आएगा उस चैनल का, अगर वो न्यू वीडियो हो तो भी, अगर वो पुराना वीडियो हो तो भी, जिसको आपने नहीं देखा है तो वो सजेशन में आता है। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है कि मान लीजिए वीडियो तो किसी को याद नहीं रहती है, क्योंकि नया वीडियो रहता है या पुराना वीडियो रहता है, जो वीडियो आपने देखा है बस आपको वही याद रहता है, लेकिन चैनल लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इससे यही बेनिफिट है कि अगर उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है, तो भी वह स्क्रॉल जब करेंगे, यूट्यूब ऐप जब ओपन करेंगे, तो उसमें आपके वीडियो सजेशन में आएंगे, यानी कि जिन्होंने आपके चैनल को देखा है उनको वह वीडियो आपको सजेस्ट होगा, नया हो या पुराना हो। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि चैनल लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, कम से कम लोगों तो याद रखते ही है लोग। और इससे क्या होती है कि आपकी वीडियोस की रीच बढ़ती है, चैनल ज्यादा सजेशन में आता है, ज्यादा लोगों तक चैनल आपका पहुंच जाता है। तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि चैनल लोगो हमेशा नहीं बदलिए। मान लीजिए मेरे चैनल का लोगो का नाम है एसके, तो मैं एसके ही रखूंगा या अपना ही फोटो लगाऊंगा, इधर उधर की कुछ फोटो केएस या एसकेजी इस तरह का मैं नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि एसके जो है बहुत लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, बहुत लोगों के यूट्यूब में जा चुका है, सजेशन में जा चुका है, बहुत लोग देख चुके हैं, याद कर चुके। तो इसी तरह सभी क्रिएटर के साथ होता है, अगर वह अपना फोटो भी लगाए तो उसको फोटो याद हो जाता है, चैनल का कुछ नाम लिखे हैं तो वह नाम लोगों को याद हो जाता है। तो अगर वह सब्सक्राइब नहीं भी किए होंगे ना, तो अगर वह सब्सक्राइब नहीं भी किए होंगे और वीडियो देखना बंद कर दिए होंगे, अगर वापस से यूट्यूब सजेशन में भेज रहा है उनके यूट्यूब ऐप पर, तो दोस्तों वो लोग 100% 10 में तो एक वीडियो जरूर देखेंगे, तो मे भी हो सकता है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर भी लें। तो ये बेनिफिट है, चैनल लोगों मत बदलिए, और बदल रहे हैं तो उससे मिलता जुलता यानी कि रिजेंबल ही यूज कीजिए। चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बात करते हैं चैनल बैनर के बारे में। दोस्तों बैनर आपको जब मन इच्छा है तब बदल सकते हैं, कुछ उसमें कलाकारी कर सकते हैं, कुछ नयापन दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। चैनल बैनर बदलने में कोई बुराई नहीं है, यह आपके चैनल को उभारता है, उसका लुक इंक्रीज करता है, आप उसमें जितना चाहे कलाकारी कर सकते हैं, जितना चाहे उसे अच्छा बना सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चैनल लोगो आपको सोच समझ के रखना है, अगर आप अपना फोटो यूज कर रहे हैं तो फोटो ही यूज कीजिए, अगर आप चैनल के लोगो में नाम लिखे हैं चैनल का या जो भी लिखे हैं तो उसी से मिलता जुलता आप उसे लिखिए। लेकिन चैनल बैनर के बारे में जैसा मैंने बताया, उसे आप जब मन चाहे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें नयापन दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था, काफी सारे डीएम्स आए थे मुझे कि सर इसके बारे में जरूर बताइए, तो मैंने आप लोग के साथ यह चीज शेयर की। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना ना भूले। पहली बार आए दोस्तों तो मैंने ऑलरेडी बताया नहीं किए हैं, बहुत लोग परसेंटेज के मामले में नहीं किए हैं, जरूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, घंटा यानी कि नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल प्रेस करना ना भूले। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.